हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। तो आज हम क्लास सिक्स की बुक अ पैक्ट विद द सन, उसका चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। आपको पता है कि चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया होता है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक जो मंकी है वो रहता था कहाँ पे? फ्रूट ट्री पर, और वो था रिवर के किनारे पे। बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है रिवर के किनारे पे। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल। उसने अपना एक दोस्त बनाया जो कि एक क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। वो बहुत स्वादिष्ट फल दिया करता था उसे खाने के लिए मगरमच्छ को, और उसकी वाइफ के लिए भी ले जाने के लिए दिया करता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। वो डेली मिला करते थे और बातें किया करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। जो मंकी होता था वो ट्री पे हुआ करता था, और जो क्रोकोडाइल होता था वो जमीन पे या कभी कभी उस रिवर के किनारे पे हुआ करता था। तो दोनों वहाँ पे बातें किया करते थे। यही स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। वंस ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। एक बार एक किनारे पर, जो कि एक रिवर के किनारा होता है, उस किनारे पर अ मंकी मेड अ होम। एक मंकी ने अपना घर बनाया फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन अ ट्री लैडेड विद द फ्रूट। ऐसे ट्री पर जो कि फ्रूट से लदा हुआ था। लैडेड का मतलब होता है लैडन का मतलब होता है भरा हुआ, लदा हुआ होना फ्रूट से। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो उस पर बहुत खुशी से रहा करता था और मन भर के, दिल खोलकर जो चाहता था वो फल खाया करता था। द मंकी वॉज हैप्पी। मंकी बहुत खुश था, बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। लेकिन वो क्या था, अकेला था और चाहता था कोई उसका कंपेनियन यानी साथी बन जाए, और जिससे वो बात कर सके, जिसके साथ फ्रूट शेयर कर सके, और वो दोनों आपस में घुल मिल सके मतलब। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन वहाँ पर आसपास कोई नहीं था, नॉट इवन अनदर मंकी, एक दूसरा मंकी तक नहीं था पूरे के पूरे उस एरिए में। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल आता है, वो दिखाई देता है कहाँ पे, रिवर साइड में, एक नदी के किनारे पे ही। हैलो देयर सेड मंकी। मंकी उससे कहता है हैलो, डू यू लिव इन दिस रिवर। वो पूछता है क्या तुम इस रिवर में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे। इसके रिप्लाई में क्या कहता है क्रोकोडाइल, गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग, उसने क्रोकोडाइल ने पोलाइटली यानी बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड वाइफ। वो कहता है कि मैं यहाँ पे खाने की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। आप कितने अच्छे हैं कि आपने मुझे फ्रूट ऑफर किए, आपका शुक्रिया। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो मंकी क्या करता है, कुछ फल वहाँ से तोड़ता है और नीचे उसको क्रोकोडाइल को दे देता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। थैंक्स ही सेड। तो क्रोकोडाइल उसको थैंक्स कहता है। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। कहता है क्या मैं और कुछ मुझे मिल पाएगा कि अगर मैं अगली बार आऊँ, क्या मेरे लिए, क्या मैं और खा सकता हूँ अगली बार आके। तो मंकी कहता है सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड मंकी। तो मंकी कहता है क्यों नहीं, जरूर तुम जितने चाहो उतने खा सकते हो और अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो। डू कम अगेन, यहाँ पर अगली बार जरूर आओ। आई एम रादर लोनली हेयर। वो कहता है कि मैं बल्कि यहाँ पे अकेला हूँ, आप आ जाओगे तो ठीक है मेरे लिए। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। तो जो मंकी, जो क्रोकोडाइल है वो डेली आने लगा, और जो मंकी उसे तोड़ तोड़ के फ्रूट देता जाता था वो खाता जाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो जो मंकी है और क्रोकोडाइल है अब वो पक्के दोस्त बन जाते हैं। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें किया करते थे और बातें करते करते कभी थकते ही नहीं थे, इतनी बातें किया करते थे दोनों आपस में। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स
एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। तो वो बातें क्या करते थे, किन किन चीज़ों की बातें किया करते थे, चिड़ियाओं की, जानवरों की, और अपने जो आसपास के गांव है उन गांव की बातें क्या करते थे, कितनी डिफिकल्टी हो रही है वहां के गांव वालों को क्रॉप्स उगाने में, यानी फसल उगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसकी वजह से, लैक ऑफ रेन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की कमी की वजह से बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्रॉप्स को उगाने में। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जितना वो आपस में बैठा करते थे डेली, उससे एक दिन क्या करता है जो क्रोकोडाइल होता है, वो कुछ ज्यादा ही लेट तक बातें करता ही रह जाता है आम दिन के मुकाबले, तो काफी देर हो जाती है बात करते करते क्रोकोडाइल को। हिज वाइव वॉज अनॉयड, उसकी वाइफ क्या होती है, नाराज हो जाती है। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, तो उसकी वाइफ भी नाराज हो जाती है और परेशान हो जाती है कि अभी जो उनके नवजात शिशु हुए हैं, जो अभी क्रोकोडाइल छोटे छोटे बच्चे अंडे से बाहर आए हैं, उनकी देखभाल करते करते बड़ा परेशान हो जाती है। हैच्ड का मतलब होता है अंडों से बाहर आना, जब वो अंडों से बाहर आ जाते हैं तो बड़े छोटे छोटे होते हैं क्रोकोडाइल, उनकी देखभाल कर करके, मैनेज कर करके कि उनको परेशान हो गई होती है, ऊपर से वो इतनी लेट आ रहा होता है। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, तो वो कहती है कि वो कौन है तुम्हारा ऐसा दोस्त जिसके तुम इतने दीवाने हो, इतने उसके आदी हो चुके हो कि उसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो फिर वो रिप्लाई करता है, ओ ही इज वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल कहता, अरे वो एक बहुत अच्छा बंदर है, बहुत अच्छा मंकी है, और ही लिव्स ऑन अ ट्री, ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो एक ट्री पे रहता है जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं और वो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू, तो कहता है क्या तुम मुझसे ऐसी उम्मीद करती हो कि मैं चढ़ के जाऊँ और फ्रूट तोड़ के लाऊँ। जाहिर सी बात है कोई मंकी वगैरह ही होगा कि वो तोड़ के लाएगा, तो वो एक अच्छा मंकी है, तो मैं तो जाके तोड़ नहीं सकता। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, replied the wife with obvious sarcasm. तो वो कहती है, अच्छा nice monkey, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर होगा। तो ये जो reply वो देती है crocodile की wife, बड़े sarcasm में देती है। तो ये sarcasm word का मतलब होता है जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन हम उसे बना चढ़ा के इस तरीके से बोलते हैं कि वो एकदम मजाक लगे बात, बिल्कुल अजीब लगे। जैसे कि वो कहती है कि हाँ हाँ जरूर वो मंकी बहुत अच्छा ही होगा, अंदर उसका ये भाव था कि हाँ जब तुम इतने देर तक रोक रहे हो तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, तो मजाक उड़ाते हुए किसी बात को कहना वो सरकाज्म होता है, मजाक उड़ाते हुए किसी बात को कहना। तो ये उसका मजाक उड़ाते हुए वो कहती है, इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो वो मंकी मेरे लिए तो खाना होगा, बल्कि आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मुझे उसका जो दिल है वो खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। व्हाट अ फूलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल गुस्से होके बोलता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या फालतू की बातें कर रही हो, आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, कह रहे मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता, हालांकि मैं मंकी तो खा जाऊंगा, मंकी खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आमतौर पे अगर टेस्ट में बदलूं अपना किसी फल के बदले कुछ और खाने के लिए, मंकी तो मैं खा सकता हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं मारूंगा। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, उसकी वाइफ कहती तुम उसे यहां लेके आओ, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूं, सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड, तो कहती है अच्छा, वो मतलब उसका हस्बैंड कहता है ताकि तुम उसे खा सको, मैं इसलिए लेके आऊं, नेवर कभी नहीं, उसके हस्बैंड ने ऐसा कहा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी जो वाइफ थी वो क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई उसका जवाब सुन के। शी डाइव्ड टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, वो गोता लगा लेती है, डाइव लगा लेती है, यानी अंदर चली जाती है पानी के बॉटम तक, बहुत नीचे तक, और उन छोटे बच्चों को अपने पिता को तंग करने के लिए ही छोड़ के चली जाती है, कह रही मैं तो चली,
ठीक है, द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा। अब जो क्रोकोडाइल था वो बड़ी दुविधा में पड़ गया। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और वो अपने दोस्त से भी बड़ा प्रेम करता था, उसका भी बड़ा आदी था, उससे भी बड़ा लगाव था उसे। वाइफ को तो प्यार करता ही था लेकिन अपने दोस्त से भी उसे बड़ा लगाव था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी वन ऑफ द साइड ऑफ ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। तो आखिरकार वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी वाइफ का पक्ष लेता हूँ। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी तो वो जाहिर सी बात है अपनी वाइफ का ही पक्ष लेता है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, वो कहता है कि मुझे पता है कि एक दोस्त को धोखा देना पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, पर मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये क्रोकोडाइल अपने आप से कहता है ये बात। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं मंकी को बुलाऊंगा अपने घर पे और कुछ अच्छे भले के लिए ही बुलाना चाहूंगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सैड क्रोकोडाइल। तो क्रोक वैन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, तो अगले दिन जब वो मंकी जाता है अगले दिन वो जो क्रोकोडाइल जाता है मंकी के पास, तो वो कहता है माई वाइफ वॉन्ट्स टू ओवर फॉर अ मील, वो कह रहे कि खाने के लिए मेरी वाइफ आपको बुलाना चाहती है। ये जो ओवर का मतलब है बुलाना, अपने घर पर बुलाना, तो मील के लिए खाने के लिए वो कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें बुला रही है, क्रोकोडाइल कहता है उससे, मंकी से। तो यू मस्ट कम विद मी टूडे, तो वो कहता है कि आज तुम जरूर मेरे साथ चलो। विद प्लेजर सेड मंकी, मंकी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आई एम नो स्विमर, वो कहता है मंकी कि मैं कोई स्विमर नहीं हूँ, तैराक नहीं हूँ, तैर नहीं सकता, बट आई कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊँगा और हम दोनों साथ चलेंगे। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों मतलब वो मंकी बैठ जाता है उस पर और वो निकल लेते हैं दोनों उसकी वाइफ से मिलने, क्योंकि खाने पे उसकी वाइफ ने बुलाया होता है मंकी को। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब नदी के बीच में वो आ जाते हैं, यानी नदी के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जब क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, पानी का जब बहाव बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, वो कहता है क्रोकोडाइल कुडंट नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। तो जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, वो अपने इरादों को ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखता, वो आखिरकार बता ही देता है। क्या बताता है, सॉरी माई फ्रेंड ही सेड हेजिटेटिंगली, मतलब कि हेजिटेट होते हुए, यानी कि घबराते हुए वो बोलता है सॉरी, मुझे दुख है, मतलब अपने फ्रेंड को कहता है सॉरी, बट आई हैव टू गो अंडर द वॉटर, कि मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, फिर कहता है गुड बाय, फिर कहता है क्रोकोडाइल कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लाया हूँ, मेरी वाइफ जो है बिना तुम्हारा दिल खाए नहीं जी सकती, तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, गुड बाय। मतलब वो क्रोकोडाइल से ये कहता है, क्रोकोडाइल मंकी से ये कहता है। फिर मंकी कहता है द मंकी वॉज स्केर्ड, जो मंकी है वो डर जाता है, डिस्ट्रेस्ड बड़ी टेंशन में आ जाता है, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो दूसरे मंकियों की तरह ही चालाक था और बहुत दिमागदार था। ही कैप्ट अ कूल हेड, वो अपने दिमाग को शांत करता है। कामली ही सेड, बड़े प्यार से वो कहता है आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी फैमिली के लिए भी। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे एक लौते ही दोस्त हो, आफ्टर ऑल वट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ, कह रहे कि क्या एक मंकी का दिल, कहाँ एक मंकी का दिल और कहाँ तुम्हारी वाइफ की जिंदगी, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यानी कि मेरा हार्ट कुछ भी नहीं है तुम्हारी वाइफ की लाइफ के सामने। बट हाउ फूलिश कुड यू बी, अरे पर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपने साथ अपना दिल लेकर आता, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं इतनी सी छोटी सी बात। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, बड़े ही भोला बन के वो जो क्रोकोडाइल है वो पूछता अरे तुम्हारा दिल कहाँ है, लेकिन
आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम तो अपने साथ रखते होगे हमेशा। ऑफ कोर्स नॉट, अरे बिल्कुल नहीं, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो ट्री पर ही रह गया, यानी कि पेड़ पर ही है। लेट्स स्विम बैक, चलो वापस चलते हैं। वंस अगेन एंड गेट इट, वापस चलते हैं और उसे लेके आते हैं मेरे दिल को। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग द कॉन्फिडेंस, कि वो जवाब देता है मंकी, कह रहा अरे यार चलो लेके आते हैं, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी। वो ऐसा रिप्लाई इसलिए कहता है ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए मंकी और क्रोकोडाइल को कि हाँ ये सच बोल रहा है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ट क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। वो कहता है क्रोकोडाइल, अरे यार क्या बेवकूफ़ी करी हमने भी। हिस्ट, हिस्ट कहते हैं जो कोई जानवर अपनी साउंड निकालता है उसे हिस्ट का साउंड कहते हैं, जो हिस की आवाज़ आती है। तो क्रोकोडाइल हिस की आवाज़ कहते हुए हंसते दोनों, और वो दोनों मुड़ जाते हैं ट्री की तरफ। ऑन द रिवर बैंक, जब बैंक आ जाता है यानी कि किनारा आ जाता है रिवर का, ठीक है, वो वाला बैंक नहीं जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, इस किनारे को भी बैंक बोलते हैं। जब रिवर का या समुद्र का कोई किनारा होता है उसको भी बैंक कहा जाता है। तो जब रिवर के किनारे पे आ जाते हैं, मंकी जंप्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, तो मंकी का करता है जंप लगाता है ट्री पर और गहरी चैन की सांस लेता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, वो एक और दो फल तोड़ता है अपनी टहनी से, बगल की टहनी से, एंड थ्रू देम डाउन सेड लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माय हार्ट, कि ये लो अपनी वाइफ को थोड़े से फल खिलाओ मेरे दिल की जगह पर। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, के ताजे फल बहुत अच्छे होते हैं दिमाग के लिए और बॉडी के लिए भी। गुड बाय फ्रेंड, तो ये कहते हुए वो कहता है मंकी गुड बाय, कि जा रहा हूँ मैं दोस्त, एंड इफ यू डोंट माइंड वी विल नॉट मीट अगेन। वॉन्ट, ये विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है विल और नॉट, ये अपोस्ट्रोफी लगा के कई चीज़ों की शॉर्ट फॉर्म भी बनाई जाती है, ये मैं ग्रामर की क्लास में कभी बताऊंगा। अगेन देयर द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, अब मैं पहले ऊपर का बता दूं, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अब हम दोबारे कभी नहीं मिलेंगे। सैडर एंड वाइजर, अब देखो क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न्ड बैक टू द होम। अब जो क्रोकोडाइल हो जाता है वो सैडर, उदास हो जाता है और दिमागदार ज्यादा बनता है, तो शेड अ फ्यू टीयर्स, उसके उदास होने के और बुद्धिमान होने के आंसू निकलने लगते हैं। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, तो वो जल्दी से जाता है अपनी वाइफ को एक दो चीज़ें बताने के लिए कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें बताने के लिए जाता है, यानी बहाने लगाने जा रहा होगा, कुछ कहने जा रहा होगा, तो वो निकल जाता है। अ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था पंचतंत्र में बहुत अच्छी कहानियाँ होती है, तो पंचतंत्र की किताबें पढ़ा करें स्टूडेंट्स। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।